चोर मस्त पुलिस पस्त, यह कहावत टीकमगढ़ कोतवाली पर सही बैठती है। टीकमगढ़ शहर में दिन प्रतिदिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पिछले एक महीने में 3 चोरी की बड़ी वारदातें हुई हैं, जिनमें पुलिस एक का भी खुलासा नहीं कर सकी है। लगातार चोरियां हो रही हैं और चोरों के हौसले प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी चोरों से परेशान हो चुके हैं। चोरों का पुलिस का डर नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर चोरों का डर जरूर बैठ गया है। कोतवाली TI सुनील शर्मा अभी तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं कर सके हैं। ताजा मामला पुराने बस स्टैंड पर साहू किराना स्टोर का है, जहां 3 बजे रात को चोरों ने लगभग 1 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया था। जबकि यह दिन रात चलने वाला सबसे व्यस्त रोड है, बेखौफ चोर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कितने का सामान चला गया लगभग? 5,000 नगद है। लगभग कितने बजे चोरी हुई होगी, कुछ अंदाजा है? 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 kg का रक्सैक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है, और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए आई एम कोरोना सोल्जर .com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।